कोलकाता में ईडी ने की छापेमारी, 17 करोड़ रुपए का कैश किया जब्त। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को फंडिंग रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भारत के अलग अलग कोने में लोगों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी के तहत बीते शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर्स के 6 ठिकानों पर छापे मारे। इसमें अब तक 17 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डाले गए हैं। इस पूरी छापेमारी के दौरान यहां 2,500 और 200 रुपए के नोटों के बंडल मिले हैं। और तो और, नोट गिनने के लिए ईडी को 5 नोट गिनने वाली मशीनों के साथ साथ बैंक का स्टाफ भी बुलवाना पड़ा और उसके बाद नोटों के गिनने की कार्यवाही शुरू हुई। ईडी ने बताया कि फेडरल बैंक ने सबसे पहले कंपनी के खिलाफ कोलकाता कोर्ट में शिकायत की थी। इसके बाद फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ FIR दर्ज की थी। शनिवार को ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनियों के मालिकों ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए इसे लॉन्च किया था। शुरुआत में कंपनी ने यूज़र्स को कमीशन दिया, लोगों के वॉलेट्स में पैसा आया भी और आसानी से निकला भी। इससे लोगों में कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन के लिए बड़ी रकम लगाने लगे। जब लोगों से बड़ी रकम कंपनी को मिल गई तो इस ऐप से पैसों की निकासी अचानक रोक दी गई। इसके पीछे एक ही तर्क दिया गया कि सिस्टम अपग्रेडेशन और सरकारी एजेंसियों की जांच के कारण निकासी रोकी गई है। इसके बाद ऐप सर्वर से सारा डेटा हटा दिया गया, इसमें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। इसके बाद यूज़र्स को धोखाधड़ी समझ में आई। एजेंसी अभी इसका पता लगा रही है कि क्या ऐप और इसके ऑपरेटर्स का चीनी ऐप से कोई लिंक है या नहीं। क्या ये ऐप लोगों को धोखे में रखकर कम दरों पर लोन देने का दावा करते हैं। इन लोन ऑपरेटर्स की धमकियों के बाद इन ऐप के चक्कर में फंसे कुछ यूजर्स ने बाद में अपनी जान तक दे दी। प्रमोटर्स के राजनीतिक कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं।